हेलो वीवर्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज जो है थ्री डोंकी, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से रोड से घूम रही हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो ये देख सकते हैं थ्री डोंकी, जो इनको ख़ारिश हो रही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब माय चैनल। तो थ्री डोंकी ऑन द वे थर्ड रेजर्ट एरिया एंड रोड ऑन द वे रोड, बट डोंकी इन जंगल ऑन द वे इन ईटिंग फॉर ग्रास। तो डोंकी जो है अब जा रहे हैं ग्रास खाने, और एक डोंकी जो छोटा वो मस्ती में है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। तो थ्री डोंकी, वन फीमेल एंड टू मेल डोंकी, वन स्मॉल बेबी डोंकी एंड मेल। तो इनका जो है डिलीवरी का सीज़न होता है वो मार्च में होता है डिलीवरी का सीज़न, और जो इनका मीटिंग का सीज़न होता है वो फरवरी में मीटिंग हो जाती है, तो मार्च में इनका डिलीवरी हो जाता है। लेकिन ये 10-11 महीने जो है डिलीवरी लगते हैं इसके जो है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक करेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपकी वजह से हमारे ये जो है चैनल आगे मोटिवेट हो सकता है। अगर आप हैं तो हम हैं, अगर आप नहीं तो हम भी नहीं। तो गाइस, हो रही थी बात डिलीवरी की। तो जो है अगर कोई जो है बड़ी जो है गद्दी, उनको तो आसानी हो जाती है डिलीवरी में। अगर जो नई गद्दी होती है तो उनको जो है ज़रा मुश्किलें हो जाती हैं डिलीवरी के अंदर। तो एक ही वाक्य यहाँ पर हुआ था, लेकिन मैंने वो वीडियो शूट नहीं की क्योंकि वहाँ पर जो है मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं था। लेकिन वहाँ पे जो एक डोंकी थी उसकी डिलीवरी जो है ऑपरेशन करके की गई थी, क्योंकि उसके अंदर जो है पहली मर्तबा जो गद्दी होती है प्रेग्नेंटेड, तो उनका जो है डिलीवरी ज़रा दर्द होता है महसूस, क्योंकि वो पहली मर्तबा डिलीवरी दी जाती है। क्योंकि उनको ज़रा इतना भी, क्योंकि उसके जो है बेचारी का जिस्म वगैरह वो इतना खुला हुआ नहीं होता, फिर जो है उनकी तकलीफ़ होती है। फिर उसके लिए हमने एक डॉक्टर मंगवाया था, उसकी ऑपरेशन हुई थी। उसके अंदर जो है जो डोंकी का बेबी था वो उल्टा था, यानी कि पिछले वाले पाँव आगे थे और आगे वाले पाँव जो वो पीछे थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी मेरी, अगर आपको कुछ और जानिया है तो कमेंट में बताएं, वो मैं आपको बताऊंगा गधों के जो है किस किस नस्ल होते हैं, कौन से नस्ल अच्छे होते हैं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें।